सिकेरकुपा ठारे सीआरपीएफ बाय 64 बटालियन पक्षरु जनसंपर्क शिविर कार्यक्रम अनुष्ठित। केन्द्र सरकार को गृह मंत्रालय निर्देश क्रमे कलाहांडी जिला लांजगड़ ब्लक सिकेरकुपा ठारे सीआरपीएफ बाय 64 बटालियन सीआरपीएफ कैंप परिसर रे जनसंपर्क कार्यक्रम अनुष्ठित हो जाय छे। सीआरपीएफ 64 बटालियन कमांडेंट पंकज चौधरी तत्वावधान में यह कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भाव में बरतान चारिटेबल ट्रस्ट चेयरमैन पल्लवी चतुर्वेदी मुख्य अतिथि भाव में जोग देता बेले एफआई 64 बटालियन डीआईजीपी एमडी विधिका सिंह मेडिकल अफिसर एमडी इब्राहिम लांजगढ़ रोड पंचायत सरपंच ममता सबर सम्मानित अतिथि भाव में जोग देते। मैडम, ये जो आपका ट्रस्ट अभी मतलब कालाहांडी में आके 64 बटालियन के साथ जो मतलब मशीन जो दिया गया है उसके बारे में आप क्या बोलेंगे? ये हमको बहुत करीब 2 महीने पहले ये प्रोजेक्ट के बारे में हमको पता लगा कि यहाँ पे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको समय कम देता है। तो नॉर्मली हमारा ट्रस्ट सामूहिक विवाह वगैरह करवाता है, पर हम लोग हरदोई में ऑपरेट करते हैं जी। और ये क्योंकि हरदोई का ट्रस्ट है, हम लोग यूपी में ज़्यादा काम करते हैं। पर जब इसके बारे में पता लगा तो ऐसा लगा कि ये बहुत अच्छा काम है और हमको ये डेफिनेटली करना चाहिए। तो हम लोगों ने इसको प्लान किया एंड 64 बटालियन ने हमारा बहुत साथ दिया कि हम इसको आकर के यहाँ फाइनली इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कर पाए। एंड इसके लिए वी आर वेरी हैप्पी कि आज कुछ लोग हैं जिनको हमारी वजह से अब शायद सुनाई देगा। तो मैडम, जैसा कि कुछ विलेज में, जैसा कि आज यहाँ पे आपका ये विलेज में आप देखें कुछ प्रॉब्लम है, तो आगे जाके अगर कहीं कहीं पे और भी कुछ विलेज कालाहांडी में रहेगा तो आप क्या उसमें भी हाथ बढ़ाएंगे आप? जी बिल्कुल, बल्कि अभी हमारा एक बीजापुर में भी करने का प्लान है और इसी तरह से हम लोग एक प्रोजेक्ट शिलोंग में भी हमने लिया है जहाँ पे हम हियरिंग एड्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। बट इस तरह के और भी काम हम लोग करते रहते हैं, जैसे अभी लास्ट ईयर हमने सामूहिक विवाह कराया था सुकमा में और वो हमने 2nd बटालियन के हेल्प से करवाया था। एंड आइटम डिस्ट्रीब्यूशन लाइक कंबल है या सोलर लैम्प हैं, ये सब हम लोग पहले भी डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। बट ये हियरिंग एड्स का जो आइडिया था, ये मुझे लगा ये बहुत नया आइडिया है और इसके इससे हम सच में कुछ लोगों की बहुत ज़्यादा मदद हो जाएगी। तो बहुत ही नोबल कॉज लगा तो हम लोगों को एथिरे राजगढ़ रोड और कदमगुड़ा पंचायत अधीन विभिन्न ग्राम से वृद्ध वृद्धा और जनसाधारण जोग देते। उक्त कार्यक्रम में समस्त अतिथि भारत सरकार तथा राज्य सरकार का जनकल्याणकारी कार्यक्रम विषय में विस्तृत आलोचना कर सर्वक्षेत्र में पुलिस तथा जवान मानक आपण सहित रही और रेणु भ्रतृभाव और बंधुत्व बजाय रखा नवेदन। एवआई 64 बाहर अडाड कर्मचारी मध्य एक कार्यक्रम में पूर्ण सहयोग करते। बरदान चारिटेबल ट्रस्ट हरदोई द्वारा 50 जन वृद्धा वृद्धा मान को श्रवण मशीन प्रदान कर उक्त कार्यक्रम को इन्स्पेक्टर बबत खुदबुद्धीन परिचालना करते। हमारे जब कंपनी यहाँ से पेट्रोलिंग के लिए जाती थी इसके गुफा गांव और जितने भी आसपास के गांव पड़ते हैं इनमें, तो ये यही आकर के बताते थे। तो हम उनसे पूछते थे कि क्या परेशानी है गांव वालों की, तो ज़्यादातर ये बताते थे कि यहाँ पे गांव वालों को सुनाई बहुत कम देता है, काफ़ी सारे इसमें जो हैं डेफ हैं जो बिल्कुल भी नहीं सुन पाते हैं। तो हमने फिर ये सोचा, लेकिन ये जो हियरिंग एड था ये बहुत कॉस्टली था, इसकी कीमत बहुत ज़्यादा थी। तो हमने फिर जो है वरदान चैरिटेबल ट्रस्ट जो है जिनकी कि पल्लवी चतुर्वेदी मैडम आई हैं, तो हमने इनसे बात करी और इनसे हेल्प मांगी। तो हम इनका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि ये हरदोई से यहाँ पर आए और 50 हियरिंग एड जो है हमारे लिए लेकर के आए। जैसे कि अभी आपने देखा कि इसको लगाते ही जो है गाँव के जो बूढ़े लोग हैं जो नहीं सुन पाते हैं उनको सुनाई देने लगा। तो बहुत अच्छा लग रहा है हमें कि हम एक छोटी सी हेल्प कर पाए हैं जिस एरिया में हम डिप्लॉयड हैं उस एरिया के गांव वालों के। भवानीपाटारू बहुत फिरोज खान का रिपोर्ट जागृति लाइव बढ़िया।